हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है डोसा बनाना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डोसा डोसा बनाने के लिए ये हमने उड़द की धुली हुई दाल ली है और ये हमने चौथाई चम्मच मेथी दाना लिया है और ये हमने उड़द की दाल को रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दिया था और साथ ही इसमें हमने मेथी दाना भी ऐड कर दिया था और ये हमने एक कटोरी मोटे चावल लिए हैं, ये परमल चावल हैं और ये हमने 3 कटोरी चावल लिए हैं, इनको भी हमने रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दिया था और ये हमने 1 कटोरी पोहा लिया है, इसको हमने रात को नहीं भिगोया है और इसको हमने अभी भिगोया है पोहे को। अब हम इन तीनों मिश्रण को अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे इन्हें तीनों को इकट्ठा पीस सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे इन्हें अलग अलग पीस सकते हो, मैं इनको अलग अलग पीसूंगी। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, सबसे पहले मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी जिससे कि ये अच्छे से बारीक पिस जाए। थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी इसमें, अब मैं इसे बारीक पीस लूंगी। ये हमारा चावल अच्छे से बारीक पीस चुके हैं। ये मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैंने ये चावल पिसे हुए निकाल लिए हैं। इसी प्रकार से मैं ये दाल पीसूंगी। इसमें मैंने दाल के अंदर थोड़ा सा पानी रहने दिया है जिससे कि दाल में अच्छी तरह से पिस जाए और डाल दूंगी मैं और इसे भी मैं बारीक पीस लूंगी। ये हमारी दाल पीस चुकी है पर ये दाल गाढ़ी है, मैं इसमें पानी और डालूंगी, पीस लूंगी दाल को। ये हमारी दाल भी पीसकर तैयार हो चुकी है, इसे भी मैं इसी बर्तन में ऐड कर दूंगी। अब मैं इसी के अंदर ये पोहा डाल दूंगी, जो मैंने पोहा पानी में भिगोया था वो पानी भी इसी में ही ऐड कर लूंगी मैं और इसे भी मैं बारीक पीस लूंगी। और ये हमारा पोहा भी पीसकर तैयार हो चुका है, इस पोहे को भी मैं इसी में निकाल लूंगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, हमें डो को एक साथ ही मिक्स करना है। ये हमारा डोसे का पेस्ट अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर एक साइड में रख दूंगी। इसे 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी मैं। डोसे का मटेरियल तैयार होता है तब तक हम डोसे का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, ये मैंने 6 से 7 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। मैंने ये सॉस पैन लिया है और इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें सरसों के दाने डाल दूंगी, साथ ही मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी। अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी मैं, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, पाउडर 1/4 चम्मच और इसे मैं हम कर लूंगी। आलू ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर लूंगी। ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है, गैस को मैं बंद कर दूंगी। ये हमारा डोसे का मटेरियल तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें से 1/2 मटेरियल एक डोंगे में निकाल लूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं तवे पर थोड़ा सा पानी छिड़कूंगी और इसे मैं साफ कर लूंगी, सा ऑयल डालूंगी और इस पे भी मैं अच्छे से कपड़े से साफ कर लूंगी। और ये हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है,
मैं डोसा का मटेरियल डालूंगी और इसे अच्छे से फैला दूंगी। इसमें ब्रश की मदद से ऑयल लगाऊंगी। और इसे अच्छे से सिकने दूंगी मैं। हमारा डोसा अच्छे से सिक चुका है, अब मैं इसमें ये आलू का मटेरियल रख दूंगी और ये हमारा डोसा अपने आप ही अलग से चिपका भी नहीं है, छूटने लगा है, और इसे मैं फोल्ड कर दूंगी। और ये इतने अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है और इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी, डोसे बनाकर तैयार कर लूंगी। इसी प्रकार से मैं अपना दूसरा डोसा भी तैयार करूंगी। इसी प्रकार से मैंने इस पे भी ऑयल लगा दिया है और मैं इस पे भी इसी प्रकार से आलू लगा लूंगी। अब मैं इसी प्रकार से इसे भी फोल्ड कर दूंगी और ये भी अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है। हमारा डोसा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे सांभर के साथ और नारियल की चटनी और टमाटर की चटनी के साथ खाइए और बनाइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।